हेलो दोस्तों नमस्कार फार्मा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले आपके तीन पार्ट है दोस्तों वो आप आगे की वीडियो में देख सकते हो तो आज सिक्सटी वन क्वेश्चन से सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं साइक्लोसेरिन इज एनालॉग ऑफ ऑप्शन ए डी एलानिन ऑप्शन बी डी सैरिन ऑप्शन सी एल सैरिन ऑप्शन डी एल एलानिन तो आपको पता ही है ये डी और एल का मतलब होता है डी मीन्स रोटेटरी और एल का मतलब होता है लिवो रोटेटरी तो साइक्लोसेलरी साइक्लोसेरिन इज एनालॉग ऑफ ऑप्शन ए डी एलानिन नेक्स्ट क्वेश्चन 62 टू एक्टिव फिनाजिन डाई इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए पायरिजिनामाइड ऑप्शन बी थाटाजोन ऑप्शन सी क्लोफाजिमिन ऑप्शन डी प्रोथायोनामाइड तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन सी क्लोफा जिमीन आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है जो हम लेप्रोसी में यूज करते हैं क्लोफा को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल मेटाबोलाइड ऑफ रिफाम्पिन रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन भी बोल सकते हैं ऑप्शन ए डी एसिटाइलेटेड आर ऑप्शन बी थ्री फॉर्मिल आर ऑप्शन सी आर एम पी क्यूनोन ऑप्शन डी एन डी मिथाइलेटेड आर तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए डी मिथाइलेटेड एसिटाइलेटेड आर एम पी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड ऑप्शन ए सल्फाडॉक्जीन ऑप्शन बी सल्फा ऑप्शन सी सल्फा ऑप्शन डी सल्फा तो आपका जो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है वो क्या होता है ऑप्शन ए सल्फा डॉक्सिन ठीक है तो आपका जो सल्फा uh, होता है ये आप मेनली आई के केस में आई ड्रॉप में यूज़ कर सकते हो ठीक है किसमें आईड्रॉप आईड्रॉप और आपका सल्फा सेलाजिन मेनली आपका किसमें यूज होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में और आपका जो सल्फा डाइजिन होता है ये सिल्वर सल्फा डाइजीन होता है तो ये मेनली आपका किसमें यूज होता है बॉन्स में तो आजकल हम म्यूपिरोसिन म्यूपिरोसिन को भी बर्न के केस में यूज होते हैं लेकिन जो मेनली ड्रग ऑफ होता है बर्न के केस में वो क्या होता है आपका सल्फा डायाजिन होता है क्या सल्फा डायाजीन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू पॉइंट इन केस ऑफ सल्फोनामाइड एस ए आर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑप्शन ए एन फोर साइड कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस प्रोड्रग। ऑप्शन बी बेंजिन रिंग इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी ऑप्शन सी एन वन ऑफ सल्फोनामाइड मस्ट बी सॉफ्टी ऑप्शन डी हाइड्रोसाइक्लिंग रिंग ऑन एन वन इल्डेड पोटेंट कंपाउंड। तो इसका आंसर होता है सिक्सटी फाइव का एस ए आर में आपका ऑप्शन सी एन वन ऑफ सल्फोनामाइड मस्ट बी सॉफ्टी तो देख सकते हो दोस्तों ये आपका सल्फरामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फा इज ऑप्शन ए ग्वानिडीन फॉर्माइल एसिटिक एसिड ऑप्शन बी प्रोपियो नाइट्राइल इथाइल एसिटेड ऑप्शन सी ग्वानिथी थीडीन फॉर्माइल एसिटिक एसिड ऑप्शन डी प्रोपियो नाइट्राइल फॉर्माइल एसिटिक एसिड तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए ग्वानीडीन फॉर्माइल एसिटिक एसिड से सिल्वर सल्फा डाइजिन बनता है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुइज फ्लोरोक्यूनोलॉन डज नॉट कॉन्टेन साइक्लोप्रोपेन रिंग एट एन वन पोजिशन ऑप्शन ए गेटिव फ्लोक्सासिन ऑप्शन बी सिप्रोफ्लोक्सासिन ऑप्शन सी स्पार फ्लोक्सासिन ऑप्शन डी ऑफ्लोक्सासिन तो इसमें क्या होता है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग एन वन पोजिशन में कौन से फ्लोरोक्यूनोल में नहीं होता है तो ऑप्शन डी में नहीं होता है ऑफ्लोक्सासिन में नहीं होता है लेकिन आपका जो गेटिव फ्लोक्सासिन सिप्रोफ्लोक्सासिन स्पार फ्लोक्सासिन होता है उसमें एन वन पोजिशन में आपका क्या होता है साइक्लोप्रोपेन रिंग प्रेजेंट है ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन रिंग बोलते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पैप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ अमीनो अमीनोसुगर पार्ट ऑप्शन ए एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऑप्शन बी एन एसिटाइल बायोसामिन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऑप्शन सी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन ऑप्शन डी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड तो आपका जो पैप्टाइडोग्लाइकन रहता है जो आपके बैक्टीरिया का जो बाहर का लेयर होता है वो किस चीज़ से बना होता है कौन से अमीनो अमीनोसुगर से बना होता है तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए एन एसिटाइल ए एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन प्लस एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना हुआ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ पेनिसिलिन। ऑप्शन ए गुड ऑरल एब्जॉर्प्शन बट रिलेटिवली एसिड लेवाइल ऑप्शन बी इन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव वेसिलस ऑप्शन सी यूजफुल अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई ऑप्शन डी हाईली स्टेबल टू एसिड और बेस तो इसका जो पेनिसिलिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तो जो पेनिसिलिन होते हैं जो होते हैं वो एसिड और बेस में स्टेबल नहीं रहते तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ पेनिसिलिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ऑप्शन ए ऑक्सासिलिन ऑप्शन बी मैथिसिन ऑप्शन सी एम्पिसिन ऑप्शन डी एजलोसिलिन तो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सा रहता है आपका मेनली ऑप्शन सी एम्पिसलिन तो बाकी ये जो होते हैं ऑक्सासिलीन मैथिसिन और एजलोसिलिन ये आपके क्या होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं जैसे आपके पेनिसिलिन जी हो गए और पेनिसिलिन वी हो गए ये सब आपके क्या होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम रहते हैं तो ये जो होते हैं और आपके एम्पिसिन क्या होते हैं एम्पिसिन एमोक्सोसिलिन आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहते हैं तो दोस्तों एक बात और पता होना चाहिए कि आपको जो एम्पिसिन है एम्पिसिन का जो एडीआर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो क्या होता है आपका डायरिया डायरिया ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो डायरिया कॉज करवाते हैं वो कौन से होते हैं एम्पिसलिन होते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं एमोक्सीलिन रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिडो पेनिसिलिन ऑप्शन ए कार्बेनिसिन ऑप्शन बी मेथिसिलिन ऑप्शन सी टिकारसिलिन ऑप्शन डी एजलोसिलिन तो आपके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिडो पेनिसिलिन होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्शन डी एजलोसिलिन एजलोसिलिन आपके क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और जो ये कार्बेनिसिलिन मैथिसलिन और टिकारसिलिन भी आपके पेनिसिलिन होते हैं और जो कार्बेनिसिलिन होते हैं इनको हम क्या भी बोल सकते हैं आपके एंटी स्यूडोमोनाल एंटी स्यूडोमोनल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन ऑप्शन ए कार्बेनिसीलिन ऑप्शन बी मैथिसलिन ऑप्शन सी एम्पीसिलिन ऑप्शन डी एजलोसिलिन तो आपका जो एंटी स्यूडोमोनाल पेनिसिलिन होता है वो क्या होता है ऑप्शन ए कार्बेनिसलिन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऑप्शन ए एजलोसिलिन ऑप्शन बी पेनिसिलिन प्लस इफेलिसपोरिन ऑप्शन सी स्टॉप्टोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन ऑप्शन सी मिनोसाइक्लिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन डी क्लोराम फेनिकॉल ऑप्शन ए पेनिसिलिन प्लस सीपेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स तो जो पेनिसिलिन होते हैं इसमें क्या होता है आपका एक बीटालैक्टम रिंग होता है और वो थायाजोलिडिन रिंग के साथ क्या होता है फ्यूज होता है सिपैलोस्पोरिन में आपके बीटा बिटालैक्टाम रिंग और आपका दाईहाइड्रोथायाजीन रिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं फ्यूज रहते हैं और जो क्लैबोलिनिक एसिड होते हैं जो बीटा बीटालैक्टामज इनिबीटर होते हैं उनके साथ बीटा बिटाक्टाम और ऑक्साजोलिडिन ये जो दो रिंग होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं फ्यूज़ रहते हैं तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन के साथ पेनिसिलिन में कौन से दो रिंग प्रेजेंट रहते हैं एक बीटा बिटालैक्टाम रहता है और दूसरा क्या होता है थायाजोलीडीन रिंग रहता है तो ऐसे क्लेबुलनिक एसिड और सिपेलो में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों Uh, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिटाल एक्टेमेज इनिविटर क्लाइवलिनिक एसिड ऑप्शन ए वन वन डायो ऑक्जो एसिड ऑप्शन बी कार्बा पेनम ऑप्शन सी सिफम ऑप्शन डी वन पेनम स्ट्रक्चर हुई हैज़ नो एसाइल अमिनोसाइड चेन तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी वन ऑग्जापेनम स्ट्रक्चर व्इच हैज़ नो एसाइल अमिनोसाइड चेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैनम वन वन डाईऑक्साइड ऑप्शन ए सल्बैक्टाम ऑप्शन बी टेजोबैक्टाम ऑप्शन सी क्लैबोरेनिक एसिड ऑप्शन डी बोथ तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आंसर रहता है ठीक है तो आपका जो पेनम वन वन डाई ऑक्साइड जो रहेगा वो किसको बोलेंगे हम सल्बैक्टाम और टेजोबैक्टाम को बोलेंगे ठीक है तो और जो आपका बीटा जिन्हें जो क्लैवेनिक एसिड होता है उसको हम क्या कहेंगे वन ऑक्नम स्ट्रक्चर विच हेज नो एसाइल अमीनो साइड चेन तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोबैक्टाम ऑप्शन ए सल्फा जेसिन ऑप्शन बी एस्ट्रियोनैम ऑप्शन सी टेगेमोनेम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवोब तो इसका आंसर होता है आपका मोनोबैक्टाम का एग्जाम्पल मेनली हमें जो पता ही सुनाई देता है वो क्या होता है एस्ट्रियोनेम ठीक है तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा ऑल सल्फा जेसिन एस्ट्रियोनैम और टाइगे मोनेम ये तीनों ही क्या होते हैं आपके मोनोबैक्टाम होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हु ड्रग इनिबिट माइकोबैक्टेरियल आर एन ए पोलीमरेज एंड इज वेरी यूजफुल इन ट्रेटिंग माइकोबैक्टेरियम एवीएम कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ए आइसोनियाजिड आई एन एस बोलते हैं इसको ऑप्शन बी इथियोनामाइड ऑप्शन सी कैप्रियोमाइसिन ऑप्शन डी रिफा ब्यूटीन तो इसका जो आंसर रहता है आपका ऑप्शन डी रिफा ब्यूटीन रिफा ब्यूटीन किस में काम करेगा आपका जो माइक्रोबैक्टेरियल आर एन ए इनिविट करेगा और माइक्रोबैक्टेरियन ए वी एम कॉम्प्लेक्स में भी ये काम करता है आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एट क्लावोलिनिक एसिड हैज ए बिटाल एक्टाम रिंग फ्यूज विथ ऑप्शन ए थाएनाइल सिस्टम ऑप्शन बी थाडाजोल ऑप्शन सी थायाजोलीडोन ऑप्शन डी ऑक्साजोलीडोन तो जो आपका क्लेवुलिनिक एसिड होता है हमने इससे पहले भी पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था क्लेवुलिनिक एसिड लैक्टाम रिंग प्लस हमारा जो ऑक्साजोलिडीन रिंग मिलके फ्यूज होके क्या होता है क्लेवुलिनिक एसिड बनता है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा फोर क्लोरो बेंजोफिन इज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ ऑप्शन ए मेवेंडाजोल ऑप्शन बी एलवेंडाजोल ऑप्शन सी थायबेंडाजोल ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एवोब तो जो आपका फोर क्लोरो बेंजोफिन होता है दोस्तों वो मेनली किसके किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है आपका मेवेंडाजोल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज़ अ ट्राई ऑक्जेन रिंग ऑप्शन ए आर ऑप्शन बी मेट्रोडाजोल ऑप्शन सी एलोफेंट्रिन ऑप्शन डी प्रो प्राय प्राइक्जन जो रिंग होता है आपका आरटी मिथर आ, के आ, उसमें यूज होता है ठीक है एजेंट थैंक यू सो मच दोस्तों और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकॉन दबा के